Hello friends, myself Santosh and I welcome you on the platform of Namaste English. Friends, we have taken a new initiative to teach you grammar and we will be doing this through the help of news and interesting videos like this. So what to do? You simply need to download our Namaste English app from the Play Store and then simply go to the Daily Khabar option and from there you can read that news article. And then I will be covering that news article daily in this classroom and will be teaching that new grammar tip. So definitely it would help you to improve your grammar part. So let's start. Let's learn something new in today's class. Let's go ahead. So friends, आइए आज सीखते हैं such as के use के बारे में. Such as आप अपने घरों में use करते हो बोलते वक्त. तो आज meaning जानेंगे अच्छे से. कैसे यूज किया जाना चाहिए सेंटेंस में ये समझेंगे. तो स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखोगे भी. चलिए पहले एक बार न्यूज पढ़ दें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, सुनिएगा, थोड़ा सा हंसी भी आएगी आप लोगों को. 1 in every 3 इंडियन स्टोर्स हिज हर पर्सनल डेटा सच एज पासवर्ड्स ऑफ ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड पेन और आधार कार्ड डिटेल्स इन मोबाइल फोन और पर्सनल कंप्यूटर. तो ये कह रहा है यहाँ पे कि हर 3 में से एक इंडियन क्या करता है, अपने बैंक डिटेल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पैसे से जुड़ा हुआ है, वो या फिर तो फोन में स्टोर करके रखता है. क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ATM पिन, ATM कार्ड का नंबर 16 डिजिट वाला. तो मतलब सारी चीजें आदत सी खराब हो गई है और हम स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, अपने फोन में या फिर PC में. और मान लीजिए बाय चांस हैक हो गया तो क्या होगा, उसके बाद आप सोच सकते हो. चलिए ये तो एक छोटी सी जानकारी थी, अच्छा लगा होगा सुन के. आई थिंक सो मेन चीज क्या है, हमें सीखना है सच एज के बारे में. आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज आई होप सो दैट यू वोंट बी डूइंग सो. ठीक है, चलिए है हमारा यहाँ पे सच एज. देखिए सच एज का आप मीनिंग ऐसे समझो, जैसे के सेंस में यूज होता है आपका. जैसे आई ईट सो मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजें खाता हूं. जैसे क्या क्या खाते हो बता दो. इन स्वीट्स मान लो, फ्रूट्स में आप बता दो. गावा खाता हूं मैं, पपाया खाता हूं मैं, सच एज गावा, पपाया, एप्पल, एनीथिंग, एप्रिकॉट, आप और भी कुछ बोल दो जो आप खाते हो. तो ये क्या है कि एग्जाम्पल देने के लिए आप यूज कर रहे हो, जैसे ये. तो यहाँ पे भी किस लिए यूज किया गया था, देखो हम पर्सनल डेटा छुपा के रखते हैं. जैसे छुपा के क्या मतलब, रखते हैं स्टोर करके. जैसे क्या क्या, सच एज, जैसे पासवर्ड्स किसके, ATM के, डेबिट कार्ड के, बैंक डिटेल्स किसके, और मतलब और क्या क्या चीजें, पैन और आधार कार्ड डिटेल्स. तो ये सारी चीजें छुपा के रखते हैं. तो ये एग्जाम्पल देने के काम आया आपका सच एज. तो आप भी सच एज का यूज कर सकते हो और ये यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है आप देखोगे. तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपना सेल्फ मेड हुआ एग्जांपल, वो तो हमने समझ ही लिया हम क्या क्या स्टोर करके रखते हैं. ये हम भी लेते हैं ऐसा. ठीक है, मुझे बहुत सारे फ्रूट्स की नेम के नाम याद, ऐसे लिख लो, याद हैं, जैसे पपीता, ठीक है, सेब, अंगूर आदि. तो आप बना दो इसका, आप ट्रांसलेट कर दो. तो आप कैसे बोलोगे, मुझे बहुत सारे फ्रूट्स के नेम याद हैं. आई नो द नेम्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स. ठीक है, इस हिसाब से आपने बनाया, आई नो द नेम्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स सच एज. आप देखो जैसे, आपने कहा जैसे, इस जैसे के लिए आपने यूज कर दिया सच एज. ग्रामर में ही यूज होता है आपका ये सच एज. ठीक है, आई नो द नेम्स ऑफ द वेरियस फ्रूट्स सच एज, क्या क्या, पपीता के लिए पपाया डाल दो,
अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा था स्टार्टिंग में, सेब के लिए एप्पल डाल दो, ग्रेप्स डाल दो, एक्सेट्रा डाल दो, बस खत्म। तो इस हिसाब से आप सच एज का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई नो द नेम ऑफ वेरियस फिल्म सेलिब्रिटीज सच एज, फिल्मों के जो भी अभिनेता हैं उनका नाम ले लो, मैं किसी पर्सनली का किसी का नाम नहीं ले रहा, मान लो किसी के भी नाम ले लो जो भी आपको याद है, अक्षय कुमार वगैरह 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 एक्सेट्रा लगा दो लास्ट में, ठीक है। मुझे बहुत सारे देशों के नाम हैं याद हैं, तो आई नो द नेम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज सच एज मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस हिसाब से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स फ्रेम कर सकते हो। आई नो various things such as how to cook, how to, you know, how to cook, how to write, how to speak. I know various things such as how to cook, how to write, how to listen, मतलब जो भी सारी खूबियाँ हैं उसके बाद आप जोड़ सकते हो जैसे के बाद। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूज़ थे आपके सच एज के। आई होप सो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आप लोगों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका भी आप ध्यान रखोगे कि स्टोर ना करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेहनत अगर पसंद आई है तो, और वीडियो को कीजिए शेयर अपने उन सभी दोस्तों तक जिनको वास्तव में इन चीज़ों की नीड है। और ऐसे ही रेगुलर सीरीज आती रहती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए, बेल का एक ऑप्शन होगा, ताकि कोई भी वीडियो डले मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, तो आपको पहले पहुंच जाए, आप पहले देख पाओ, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।